अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उर्दू में वो है वेव, वेव मोशन की। वेव क्या चीज़ होती है तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। वेव क्या होती है? वेव इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। सिंपल सी चीज़ जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है, मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। इन कंक्लूजन द वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस डेट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। किसी भी मीडियम में एक पॉइंट से एनर्जी को दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए हम वेव यूज़ करते हैं विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर, यानी कि मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। अब फर्ज करें आप एक वाटर बबल है, वाटर का पॉन्ड है, इसमें अगर आप एक स्टोन ड्रॉप करते हैं यहाँ पे तो वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। जो वेव्स जनरेट होती हैं ये वाटर की वेव्स होती हैं, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रह रहा होता है बट जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस जिसे हम वेव कह सकते हैं, वो ट्रांसफ़र होती है। सही। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि वेव होती क्या। वेव जो है मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है और मैटर को नहीं करती ट्रांसपोर्ट। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स की तरफ। वेव्स की दो टाइप्स होती हैं जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज इन विच द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन विच इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो सिंपल सी बात ये, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मुताबिक डिस्टर्बेंस जो है उस सेम डायरेक्शन में होती है जैसे कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। एक इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है साउंड वेव हमारे पास। तो इसको समझाने के लिए अगर मैं एक स्प्रिंग कंसीडर करूं, ये क्या होता है स्प्रिंग में, अगर हम यूं करके इसको ये, अगर किसी भी सिंपल से स्प्रिंग को आप ये थी पहले स्प्रिंग की पोजीशन, आपने इसको कंप्रेस किया, इसमें क्या हुई वेव जनरेशन स्टार्ट हो गई। ये हो गई इसकी वेव स्टार्ट हो गई। अब ये किस तरह से कवर कर रहा है, यानी कि इसमें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक कंप्रेशन, इसको हम कह सकते हैं कंप्रेशन, और ये जो एरिया यानी कि जहाँ पे हमारे पास एक्सपेंड हुआ हुआ है इसको हम कह सकते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करी। अब चलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की तरफ। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, जिसमें वेव्स और डिस्टर्बेंस परपेंडिकुलर होती हैं। ये ट्रांसवर्स वेव और दूस वेव इन विच द डिस्टर्बेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल की जो ऑसिलेशन है उसके परपेंडिकुलर होती है। फर्ज कर लें ये एक पॉइंट, अब इसमें एक रोप है, इसको आप यूं ऐसे वाइब्रेशन होगी, यानी कि पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर है किसके, ऑसिलेशन, ये जो ऑसिलेशन है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये यूं वाइब्रेशन है और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन क्या है हमारे पास, ऑसिलेशन कहते हैं मूवमेंट समझ लें या प्रोपोगेशन। तो ये एक थी, इसमें ये जो हमारे पास होते हैं नोड्स होते हैं और एंटी नोड्स होते हैं। तो ये वीडियो थी जिसमें अभी हमने वेव्स के बारे में डिस्कस किया, वेव्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। तो ट्रांसवर्स वेव की एक अच्छी मिसाल हमारे पास है
वाइब्रेशन इन अ गिटार स्ट्रिंग। बाकी इसको समझने के लिए आप एक रोप समझ सकते हैं कि रोप को अगर आप वॉल से टाइट करके हिलाएं दूसरी तरफ तो इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी इसमें यूँ। तो ये वीडियो थी एक छोटी सी जिसमें हमने वेव्स को पढ़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपनी कीमती राय ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।